मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। इस सुरीले नगमे को सुनकर दर्द भरे रूह को भी सुकून मिलता है। कभी गम न देना, खुशी देने वाले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्यारे से सुरीले नगमे का संबंध एक महान कलाकार के दर्द से है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। जी हाँ दोस्तों, ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जिंदगी के आखिरी लम्हों में जब मौत से जूझ रही थी और जब वह दुख और दर्द के अथाह सागर में डूबी थी, तब उनके दर्द भरे दिल को सहारा देने वाला कोई और नहीं बल्कि फिल्म प्यार का सागर का यह गीत था। जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा। और जब उनके जीवन के सारे अरमानों को कुचल दिया गया था, तब भी उनके दिल में एक अरमान रह गया था और उनका वह अरमान इसी गीत से जुड़ा हुआ था। भरोसा है हमको मोहब्बत पे। इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे उनका यह अरमान पूरा हुआ। साथ ही इस वीडियो में इस गाने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल ग्रेट लेजेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं साची और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लेजेंड्स। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। दोस्तों, 1961 में रिलीज हुई फिल्म प्यार का सागर के इस गीत का संगीत देने वाले संगीतकार रवि ने इस गीत के बनने के बारे में बताया था कि इस गाने को एक दिन के भीतर बहुत ही जल्दबाजी में तैयार किया गया और फिर रातों रात रिकॉर्ड किया गया। लेकिन इतना कम समय में बना यह गीत इतना बेहतरीन बन गया कि आज भी संगीत प्रेमियों का सबसे पसंदीदा गीत बना हुआ है। रवि साहब ने बताया कि एक दिन फिल्म के निर्देशक देवेंद्र गोयल उनके पास आए और कहा कि उनको हर हाल में यह गाना आज ही चाहिए क्योंकि कल उस गाने को फिल्माया जाना है। उस गीत को प्रेम धवन से लिखवाया गया। रवि साहब ने इसकी धुन तैयार कर ली और इस युगल गीत को गाने के लिए मोहम्मद रफी साहब को बुलाया गया जो समय पर पहुंच गए थे। इस बीच सह गायिका के तौर पर पहले लता मंगेशकर और फिर आशा भोसले से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इस गीत की सह गायिका के लिए सुमन कल्याणपुर से संपर्क किया गया। सुमन कल्याणपुर जी ने रवि साहब से कहा कि वह पहुंच जाएंगी, लेकिन उनके घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए उन्हें आने में थोड़ी देर हो सकती है। संगीतकार रवि साहब और रफी साहब म्यूजिशियनों के साथ सुमन कल्याणपुर का इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आई। उनके नहीं आने पर किसी तरह से आशा भोसले से संपर्क किया गया और उनको रिकॉर्डिंग के लिए तुरंत आने का अनुरोध किया गया। आशा भोसले आई और उस गीत को जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके फिल्म निर्देशक को सौंपा गया। आश्चर्य की बात यह है कि जो गाना इतना सुरीला और कर्ण प्रिय है, उसे रिहर्सल के बगैर रफी साहब और आशा भोसले जी ने इतनी सुरीली आवाज में और इतना बेहतरीन तरीके से गाया कि जल्दबाजी में रिकॉर्ड किया गया यह गीत सुपरहिट गीत बन गया। यह गीत न केवल उस समय लोगों के जुबान पर था बल्कि आज भी यह गीत लोकप्रिय है। इस गीत को फिल्म में जुबली कुमार अर्थात राजेंद्र कुमार और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर फिल्माया गया था। इसके बाद से ही यह गीत मीना कुमारी का पसंदीदा गीत बन गया था और वह अक्सर इस गीत को गुनगुनाती रहती थी। ट्रेजेडी क्वीन के आखिरी दिनों में इस गीत से उनका गहरा रिश्ता हो गया था। जैसा कि आपको पता है कि मीना कुमारी के जीवन का आखिरी लम्हा दुख और दर्द में डूबा रहा, जिससे उबरने के लिए उन्होंने अपने आप को शराब में डुबो लिया और इसका दर्दनाक परिणाम यह हुआ कि उन्हें
लाइलाज लिवर सिरोसिस की बीमारी हो गई और उन्हें गंभीर अवस्था में बम्बई के एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और चंद दिनों बाद ही उन्होंने इस निर्मम दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जब वह दुख और दर्द के अथाह सागर में डूबी थी और जब वह मौत से लड़ रही थी, तब उनके दर्द भरे दिल को सहारा देने वाला कोई और नहीं बल्कि यही नगमा था जिसे मीना कुमारी अक्सर गुनगुनाती रहती थी। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। उनके दिल में एक हसरत थी कि इस गीत को रफी साहब उनके पास बैठकर सुनाएं। जब मोहम्मद रफी साहब मौत से जूझ रही मीना कुमारी को देखने आए, तब मीना कुमारी ने उनसे उस गीत को सुनाने की गुजारिश की और रफी साहब ने मीना कुमारी के सिरहाने बैठकर वह गीत सुनाया। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे। आज भी इस गीत को सुने तो दिल को राहत मिलती है। आज भी लोग इस गीत को सुनकर और गाकर अपने गम को दूर करते हैं। यह गीत आपको कैसा लगता है और इस गीत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।